think everybody will pay attention. Today we are going to learn a very important lecture. Be suppose to plus verb first form. Be suppose to पढ़ने वाले हैं लेक्चर. ओके, हेड कट तो नहीं रहा मेरा हसन, ऊपर से यहाँ तक आ रही है वीडियो? आ रहा है यहाँ तक वीडियो? ओके, बस हाँ, बाल नहीं, बस वीडियो ऊपर से कटना नहीं चाहिए. एनीवे, यस, वैसे तो आइडिया है, ऐसी कोई बात नहीं. ऐसी कोई बात नहीं, आइडिया है. ओके, यस, तो सबका ध्यान और सबको समझना भी है और बोलना भी है लेक्चर. ओके, अबू बकर, लेक्चर का नाम है बी सपोज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. बहुत सारे लोग बी सपोज टू में काफी वीक होते हैं या उसको नहीं जानते हैं, बी सपोज टू. हालांकि बी सपोज टू भी शुड के जैसा ही एक लेक्चर है. जैसे शुड है, जैसे मस्ट है, जैसे ऑट टू है, जैसे हैड बेटर है, ये सारे एक ही कैटेगरी के लेक्चर हैं. उन्हीं में से सपोज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमें जहन में हमेशा से बैठा हुआ है. यू नो, इन आवर माइंड ऑल द टाइम, एवरी टाइम वी हैव इन आवर माइंड द मीनिंग ऑफ सपोज इज अज्यूम, फर्ज करना. हमारे जहन में बैठा हुआ है कि सपोज टू का, सपोज का मतलब है अज्यूम करना. बिल्कुल है, एक मतलब ये भी है, अज्यूम करना, फर्ज करना. सपोज टू का एक मतलब ये भी है कि अज्यूम करना, कोई चीज कहते हैं ना, लेट सपोज एक्स की वैल्यू टू है, तो ऐसे ही भाई अज्यूम करना भी होता है. मगर यहां ये इसका दूसरा सेंस है, ये इसकी दूसरी मीनिंग है सपोज टू की. तो स्टार्ट करते हैं. द लेक्चर नेम इज बी सपोज टू. लेक्चर में इंटरेस्टिंग बात क्या है, बी आ रहा है शुरू में, बी आ रहा है. क्या आ रहा है? बी आ रहा है. और बी का मतलब क्या होता है? इज एम आर, वॉज वर, विल बी. प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज एम आर, पास्ट की बात करेंगे आतिका तो वॉज वर, और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी. तो इसमें बी से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है. बाकी सारे मॉडल आपने देखे, उसमें बी नहीं आता था. शुड, शुड हैव, शुड, शुड हैव, कैन, कुड हैव, कुड, वॉज एबल टू, एक्स वाई जेड, ऐसे इस तरह करके किसी में भी बी नहीं था. इसमें बी है. बी सपोज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सजेशंस अकॉर्डिंग टू रूल्स, पहला इस्तेमाल कि हम बी सपोज टू को यूज करते हैं सजेशन के लिए. आप बोलेंगे सर सजेशन के लिए तो शुड भी है, सजेशन के लिए ही था ना कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश. आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, यू शुड गिव प्रेजेंटेशन. आप बोलेंगे सर वो भी सजेशन के लिए था और ये भी सजेशन के लिए. मैं कहता हूं सजेशन के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, सजेशन के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं. इंग्लिश में एक चीज के लिए काफी अल्फाज होते हैं, एक चीज के लिए काफी लेवल्स होते हैं, काफी लेवल्स होते हैं. कोई भी बात आप कर रहे हैं ना, उनके काफी लेवल्स होते हैं. इंग्लिश में आप बोलते हैं, आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं बोलता हूं कि आप लोग तंग कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं यस व्हाट्स रॉन्ग विद यू. क्या बोलता हूं? थोड़ा और हार्श होता हूं, मैं बोलता हूं यार, मैं कहता हूं व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू. थोड़ा और हार्श होता हूं, बोलता हूं व्हाट द हेल विद यू. थोड़ा और हार्श होकर बोलता हूं व्हाट द डैश विद यू, व्हाट द डैश विद यू. अब डैश में लगा तो नहीं सकता ना अभी क्लास, जैसे क्लास से व्हाट द एफ डैश विद यू. ओके, लाइक इट. सो देयर आर लेवल्स, लेवल्स इन इंग्लिश आल्सो, लेवल्स इन इंग्लिश आल्सो. देखा मतलब क्या मसला है, क्या बात है, इस तरह करके. ऐसी ऐसी सजेशन में भी क्या बात कर रहा था मैं आपसे कि शुड भी हम लोग जो है ना सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. वी यूज शुड फॉर सजेशन. आप बोलेंगे सर फिर शुड और इसमें क्या फर्क है? मैं कहता हूं सजेशंस अकॉर्डिंग टू रूल्स. यस, यहां एक वर्ड ऐड हो गया कि ये भी शुड की तरह, ये भी मस्ट की तरह सजेशंस की बात करता है. मगर कौन सी सजेशंस होती हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल्स के मुताबिक क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, यह सारी बात होती है बी सपोज टू में. और दूसरा एक्सपेक्टेड, इंटेंडेड to happen, expected, intended to be happened, like this. दूसरी बात ये करता है. आप कहते हैं सर अभी तक ये बात समझ आई कि be supposed to एक लेक्चर है जो बिल्कुल should की तरह है. बस फर्क ये है जब भी be supposed to इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसूल के मुताबिक बात करते हैं. किसके मुताबिक? उसूल के मुताबिक बात करते हैं उसमें. ओके, फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस be supposed to प्लस verb first form प्लस object. कौन क्या रहा है इसके बीच में? बी. बी का मतलब है इज एम आर. यस, हाँ, इज एम आर, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब. बहुत सारे और लेक्चर में भी आता है, जैसे हमने कल एक लेक्चर, परसों एक लेक्चर पढ़ा था बी अफ्रेड ऑफ, उसमें भी बी आ रहा था ना. आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है. वी आर अफ्रेड ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन, हमें प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है. We are afraid of giving presentation. हमें presentation देने से डर लगता है. ऐसे बहुत सारे lecture में ये B आता है. जैसे एक lecture है belonging to. क्या lecture का नाम है?
बी लॉन्गिंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. व्हाई वी यूज इट? स्ट्रॉन्ग डिजायर. स्ट्रॉन्ग डिजायर बी लॉन्गिंग टू. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस बी लॉन्गिंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस बी लॉन्गिंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. छोटा सा ये फ्रेज है, स्ट्रक्चर है. बी लॉन्गिंग टू स्ट्रॉन्ग डिजायर. बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, कुछ भी करके आप कोई चीज चाहते हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है बी लॉन्गिंग टू. मैं दुबई जाने के लिए बेताब हूं, तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं, ललचा रहा हूं, व्हाटएवर. क्या होगा? अब बी का मतलब इज एम आर. आई एम लॉन्गिंग टू गो दुबई. मैं दुबई जाने के लिए तरस रहा हूं, तड़प रहा हूं. क्या है दुबई जाना आपकी? स्ट्रॉन्ग डिजायर है. स्ट्रॉन्ग डिजायर है. ओके हसन क्या बोलोगे? बोलोगे सर द लाइफ इज वेरी बोरिंग. मैं ड्रीम वर्ल्ड जाने के लिए बेताब हूं, तरस रहा हूं, तड़प रहा हूं. नो नो नॉट बिलोंगिंग टू. आई या बी मीन इज एम आर. यही समझाने के लिए तो लेक्चर लिखा है. आई एम लॉन्गिंग टू गो ड्रीम वर्ल्ड. ओके मैं अपने फादर से मिलने के लिए तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं, बेताब हूं. आई एम लॉन्गिंग टू मीट माई फादर. अपने फादर से मिलने के लिए तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं. ओके मैं मूवी देखने के लिए तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं, बेताब हूं. वॉचिंग. व्हाई वॉचिंग? यस आई एम लॉन्गिंग. लिखा हुआ है सर आपके सामने. कभी तो ध्यान दें, कभी तो ध्यान दें. चले इसकी इंग्लिश बता दे जल्दी. आपने पढ़ा हुआ ये लेक्चर. कभी तो जैन बता दो जल्दी से. कभी तो इंग्लिश बोलो. है समटाइम्स कभी तो. चले इसके बाद बताइएगा. अभी ये लेक्चर था लिखना, उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे कभी तो. ओके लॉन्गिंग टू पे और सेंटेंसेस हो जाएं. लॉन्गिंग टू पे यस मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूं, तड़प रहा हूं, बेताब हूं. हाँ वो नहीं तड़प रहा या तरस रहा. आई एम लॉन्गिंग टू मीट. या हर कर दो ना इसको. आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर. ओके हसन कहते हैं सर लेट सपोज. सलमान कहते हैं सर बहुत दिन हो गए सर पिज्जा नहीं खाया. मैं पिज्जा खाने के लिए तड़प रहा हूं. यस आई एम लॉन्गिंग टू ईट पिज्जा. पिज्जा खाने के लिए तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं, बेताब हूं. ओके तो लॉन्गिंग टू किसी चीज के लिए तरसना, ललचाना. ओके आई एम लॉन्गिंग टू टेक क्लास. सॉन्ग्स में बड़ा इस्तेमाल होता है ये. सॉन्ग्स में बहुत इस्तेमाल होता है. आई एम लॉन्गिंग टू सी हर. आई वॉज लॉन्गिंग टू. यस लाइक दिस. मैं प्रेजेंटेशन देने के, मैं टेस्ट देने के लिए तड़प रही थी. फर्स्ट पोजिशन आई है ना इसलिए. मैं टेस्ट देने के लिए तड़प रही थी. ना नॉट आई एम. पास्ट की बात हो रही है. गिव. आई वॉज लॉन्गिंग टू गिव टेस्ट. मैं टेस्ट देने के लिए तरस रहा था, तड़प रहा. जैन कहते हैं सर नाउ आईफोन ले लिया, मुझे चैन आ गया. मैं आईफोन लेने के लिए तड़प रहा था. आई वॉज. हाँ तड़प रहा था. आई वॉज लॉन्गिंग टू बाय आईफोन. ओके तारिक कहते हैं सर मैं उसे मारने के लिए तड़प रहा हूं. क्या बोलेंगे? मैं उसे मारने के लिए तड़प रहा हूं. ना 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 रहा हूं. आई एम. आई एम लॉन्गिंग टू किल हिम. मैं उसे मारने के लिए तरस रहा हूं. वॉजवर आ जाएगा. कुछ भी नहीं, क्योंकि पास्ट को ये चेंज कर रहा है. ये अगर बी प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये इज एम आर. यही तो हालत और टेंस बता रहा है कि ये प्रेजेंट है. अगर पास्ट की बात हो रही है तो यहां वॉजवर इस तरह. ये प्रेजेंट. हाँ वर्ब यानी लॉन्गिंग टू टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये चेंज नहीं होगा. टेंस को चेंज कौन कर रहा है? बी. यही यहां पे होगा, इसलिए मैंने एग्जांपल लिखी है. जैसे आप कहते हैं सर मैं डॉलमेन मॉल जाने के लिए तरस रहा हूं. अच्छा अब इसी को कहो कि मैं डॉलमेन मॉल जाने के लिए तरस रहा था. आई वॉज लॉन्गिंग टू गो डॉलमेन मॉल. मैं डॉलमेन मॉल जाने के लिए तरस रहा था. सर मैं अपने होम टाउन जाने के लिए तरस रहा हूं.
Yes. मैं अपने होम टाउन जाने के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था, बेताब था, ललचा रहा था, बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी, बहुत दिल चाह रहा था. तो आई वॉज लॉन्गिंग टू गो होम टाउन. मैं अपने कजन से मिलने के लिए तरस रहा हूं. आई एम लॉन्गिंग टू मीट माई कजन. ओके, पैसे खा लिए उसने आपके, इसलिए पैसे लेने, इसलिए आप तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, बेताब हैं, उधार ले लिया. या समटाइम्स दिस इज अ हैबिट ऑफ पीपल, यू नो, कि कभी कभार लोगों की आदत होती है उधार उधार लेने की ना. हमारा एक दोस्त है, उसकी उधार लेने की बहुत आदत है. सही, हमारे साथ एक जगह गया, वो एक ही दुकान वालों से, एक ही दुकान वाले से दो उधार उसके. आप भी बोलेंगे, सर एक ही दुकान वाले से दो उधार, हम भी सर पकड़ के बैठ गए जब हमें पता चला. मैं बोला, तूने एक दुकान वाले से दो उधार कैसे किए? कहने लगा, बस कर लिए, ये हमारा टैलेंट है. वो इस बात को टैलेंट समझता है, कहते हमने कर लिए एक दुकान वाले से दो उधार. मैंने कहा, एक दुकान वाले से दो उधार कैसे? फिर बताया उसने कैसे. बोला सुबह से लेके शाम तक अब्बा बैठता था दुकान पे, अब्बा से अलग उधार, शाम से लेके बेटा बैठता था रात तक, अब बेटे से अलग उधार. फिर वहां से निकलने से पहले सारा उधार चुका दिया, मगर दो उधार अब्बा के अलग थे. मैंने कहा, याद कैसे रखता है? बोला, बस याद है अब्बा के इतने, बेटे के इतने, दुकान वाले से दो उधार. एनीवे, सो आई एम लॉन्गिंग टू मीट माय कजन. यू अंडरस्टैंड? Be longing to plus verb first form. As I said to you people, we use a lot of time. This, as we see, a lot of time. In songs you will see. In poetry you will see this lecture. Be longing to. I'm longing to see her. I'm longing to sing song. We are longing to play cricket. They are longing to take class. She is longing to give presentation. So, the lecture name is Be Longing To. Aur maine aapko kaha hai, British ki aadat hai ki ye ing ka g nahi bolte. Aur wo soche kis tarah bolte honge. अब इसी सॉन्ग में मैंने फ्यूचर में ये टेंस देखा. प्रेजेंट इज एम आर, पास्ट वॉज वर, फ्यूचर है विल बी. तो कैसे बोल रहा होगा? आई विल बी लॉन्गिंग टू सी हर. सॉन्ग्स में कैसे स्पीड में बोलता जा रहा होगा? आई बी लॉन्गिंग टू सी हर. अ नॉर्मल मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड आई बी लॉन्गिंग टू सी हर, बट ही वर यूजिंग दिस लेक्चर. सो अंडरस्टैंड बी लॉन्गिंग टू. आई नो यू आर लॉन्गिंग टू लर्न दिस लेक्चर नाउ. आई शुड कम, आई शुड डाइवर्ट, आई शुड टर्न myself to the lecture again. Okay? Yes. और वो क्या, मैंने अभी बीच में बात बोली थी, कभी तो इंग्लिश बोलो. क्या है? सिंपल है यार. डू एवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है. कभी तो इंग्लिश बोलो. जैन, डू एवर स्पीक इंग्लिश? कभी तो लेक्चर लिखो. तारिक, डू एवर राइट लेक्चर? कभी तो लेक्चर लिखो. कभी तो होम टाउन जाओ. Do ever go hometown? Do ever go hometown? गाना अदनान सामी का बड़ा मशहूर आपने सुना होगा, कभी तो नजर मिलाओ. क्या होगी इंग्लिश? हाँ, do ever see? नजर मिलाने के लिए क्या वर्ड है? आई कॉन्टेक्ट से पहले भी एक वर्ब आएगा ना. बिल्कुल सही जा रही है. Do ever have? Do ever have eye contact? कभी तो नजर मिला. अदनान सामी का सुना है आपने ये सॉन्ग? अदनान सामी अब इंडिया चले गए, वो मगर थे वो पाकिस्तानी. अदनान सामी दुनिया का वाहिद सिंगर है जिसके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी के पास नहीं है. वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पता है क्या अदनान सामी का? वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि अदनान सामी दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, चाहे वो गिटार हो. ये आप देखें, हर सॉन्ग में एक नई चीज बजा रहा होता है वो, किसी में फ्लूट, किसी में कुछ. ये उसका रिकॉर्ड है. और उसका बेटा भी यहाँ पे अजान जो है ना वो ड्रामों में आ रहा है, बिल्कुल उसी के जैसे. एनीवे, टू एवर हैव अ आई कॉन्टेक्ट. ओके, कभी तो पिज्जा खाओ. डू एवर ईट पिज्जा? कभी तो क्रिकेट खेलो. डू एवर प्ले क्रिकेट? कभी तो मुझे सुनो. डू एवर लिसन टू मी? रिमूव. कभी तो मास्क उतारो. डू एवर रिमूव मास्क? ओके, अच्छा इसका नेगेटिव क्या होगा? डू एवर की जगह डू नेवर हो जाएगा. कभी तो इंग्लिश ना बोलो. एवर की जगह नेवर हो जाएगा. डू नेवर स्पीक इंग्लिश? आप अभी तक लॉन्गिंग पे हैं शायद. वो सेंटेंस जहन में चल रहा है अभी तक. मिस्टर जैनुल आबदीन खान, यस. सो डू एवर स्पीक इंग्लिश? डू नेवर स्पीक इंग्लिश? हसन कहते हैं, सर कभी तो रिप्लाई करें मेरे मैसेज का. हाँ, आप कहते हैं, सर कभी तो कोई मैसेज करेगा तो हम रिप्लाई करेंगे ना. आपके ग्रुप में तो एक मैसेज पढ़ने बैठो, नीचे 500 मैसेज और आ जाते हैं. दिमाग घूम जाता है यार, ये कहाँ
क्या पढ़ रहा था मैं, कौन सी बात पढ़ रहा था मैं? यस, अच्छा, डू एवर हैव आई कॉन्टेक्ट, डू एवर प्ले क्रिकेट, दिस इज, यू अंडरस्टैंड? यस, चलें अब इधर उधर नहीं जाएंगे, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, नाउ वी आर कमिंग बैक टू द लेक्चर. हम क्या लेक्चर पढ़ रहे थे? बी सपोज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. We use it for suggestions according to the rules. Suggestions के लिए इस्तेमाल होता है rules के मुताबिक, बिल्कुल should जैसा है, बिल्कुल should जैसा है एकदम. Okay? जैसे should में कहते हैं you should come, you should take class, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस बात होगी rules के मुताबिक, formula कानून के मुताबिक. Subject plus be supposed to plus verb first form plus object. You are supposed to speak English. Let's suppose कोई यूरिका में है, लेट्स सपोज को यहां पे है और वो उर्दू में बात कर रहा है, तो मैं उसको यूं कह सकता हूं, हम यूं ही बोलेंगे उसको, बोलेंगे यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए. मगर ग्रामेटिकली सही जुमला पता है क्या है? सपोज टू, रूल्स के मुताबिक बोल रहा हूं ना. लेट्स सपोज को यहां पे उर्दू बोल रहा है तो मैं बोलूंगा यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए. एक मूवी में देख रहा था, उसमें गोरे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बॉल गोरा एक शॉट मारता है, बॉल घूमते हुए ग्राउंड से बाहर आती है, तो गांव वाले कुछ लोग होते हैं, एक गांव वाला बॉल उठा लेता है यूं करके, गोरा वहां से आता है और उसको एक मारता है और बॉल लेता है उससे गांव वाले से और कहता है यू, बड़े एग्रेशन के साथ कहता है यू आर नॉट सपोज टू टच द बॉल. ये भी कह सकता था यू शुड नॉट टच द बॉल, आपको बॉल टच नहीं करनी चाहिए, आपको बॉल टच नहीं करनी चाहिए, मगर वो कहता है यू आर नॉट सपोज टू टच द बॉल, आपको बॉल टच नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द rules, mean he is not allowed. That's why. फिर वो आमिर खान ऐसे बॉल उठा लेता है तो वो आमिर खान से आके फिर वो लड़ता है, उसको फेंक देता है, like this. तरह क्रिकेट पे मूवी बनी हुई है लगान, उसमें होता ही है सीन. तो यू क्यों बोलता है? You are supposed to touch the ball. You are not supposed to touch the ball. तो supposed to should की तरह है, चाहिए, मगर according to the rules. और कभी हम expect करें, expect. Okay? मैं कहता हूँ You are supposed to come in class. Expectation है भाई, expected, intended. मैं कहता हूँ You are supposed to come in class. At 11:30, like this we say, 11:30 you are supposed to come in class. Okay, so supposed to, we use it for suggestions according to the rules. You are supposed to speak English. We are supposed to give presentation. Class ka rule hai, presentation deni hai. Okay, let's suppose, aap nahi de rahe, toh main yu bhi keh sakta hoon ke we should give presentation. Hame presentation deni chahiye. Magar proper kya hai? We are supposed to give presentation. हमें presentation देनी चाहिए. अब ये ना हो आप should को छोड़ दें और हर जगह supposed to लगाते रहें. नहीं, supposed to कहां लगेगा? Rules के मुताबिक. Okay? अब university में हसन कोई बात कर रहे class में, वहां इनको ये बोलना चाहिए You are supposed to sit quiet. The class is going on. Class जारी है, आपको खामोश बैठना चाहिए. Normally दोस्त के साथ बैठेंगे तो बोलेंगे कि You should sit quiet. तुम्हें खामोश बैठना चाहिए. तो should चाहिए, must जरूर चाहिए, supposed to चाहिए rules के मुताबिक, rules के मुताबिक. Okay? They are supposed to write lecture. Let's suppose उस क्लास ने लेक्चर नहीं लिखा, मैं बोलूंगा they should write lecture. उन्हें लेक्चर लिखना चाहिए, बल्कि प्रॉपर क्या होगा? They are supposed to write lecture. उन्हें लेक्चर लिखना चाहिए. और नेगेटिव के लिए सिर्फ बी के बाद नॉट, बी के बाद नॉट, सिर्फ तेन कहते हैं कि तुम्हें क्लास में चिल्लाना नहीं चाहिए. You are not supposed to shout in class. हसन कहते हैं तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए. हाँ, you are not supposed to pick a quarrel. Quarrel के मीनिंग भी क्या होते हैं? फाइट, झगड़ा, लड़ाई. तो pick a quarrel, झगड़ा मोल लेना, और हमारी जबान में पंगा ले लेना. सो यू आर नॉट सपोज टू पिक क्वारल, आपको झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए, आपको प्रिंसिपल को धमकी नहीं देनी चाहिए. हाँ, हमें प्रिंसिपल को धमकी नहीं देनी चाहिए. वी आर ना 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 हमें प्रिंसिपल को धमकी नहीं देनी चाहिए. ना हाँ हाँ नहीं देनी चाहिए. वी आर Yeah, we are not supposed to thread principal. हमें principal को धमकी नहीं देनी चाहिए. Okay? आप कहते हैं सर हमें ये room, हमें ये building सजानी चाहिए, चरागा करना चाहिए इस building पे, lighting करनी चाहिए. हमें building पे चरागा करना चाहिए.
मार्क्स पहनने दे, अच्छा बचत हो जाएगी. ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग, वी आर सपोज टू इल्यूमिनेट दिस बिल्डिंग. इल्यूमिनेट का मतलब होता है बिल्डिंग सजाना, और कोई भी चीज सजाना, चरागा करना, लाइटिंग करना, इल्यूमिनेट सजाना. और एक होता है इलिमिनेट, इसका क्या मतलब है इरशाद, इलिमिनेट निकाल देना, ये ई से है, वो आई से है. इल्यूमिनेट इलिमिनेट, इलिमिनेट निकाल देना, इल्यूमिनेट सजाना, लाइटिंग करना, दैट्स कॉल्ड इल्यूमिनेट. So you are supposed to illuminate this building on 14th of August. We are supposed to illuminate our home. Illuminate. Okay? Hame bure students ko class se nikal dena chahiye. We are supposed to illuminate the bad student. Yeah. Hame Zen. हमें ड्रीम वर्ल्ड का प्लान पोस्टपोन नहीं करना चाहिए. वी आर नॉट सपोज टू पोस्टपोन ड्रीम वर्ल्ड प्लान. ओके, एलिमिनेट पाकिस्तान से ना बुरे लोगों को इरशाद निकाल देना चाहिए. वी आर, हाँ, पाकिस्तान से बुरे लोगों को निकाल देना चाहिए. We are supposed to eliminate bad people from Pakistan. Come back to the lecture again. फिर आप लोग इधर उधर ले जाते हैं वोकैबुलरी पे, छोटे लेक्चर्स पे. Yes, you are supposed to speak English. Sorry, आपको English बोलनी चाहिए. They are supposed to write lecture. आपको lecture लिखना चाहिए. एक दफा ये sentence supposed to बहुत बोला गया, इतना बोला गया कि viral हो गया. आज से तकरीबन उसकी 6 दिन बाद birthday भी आने वाली है, 5 दिन बाद. आज 23 है ना, तो 5 दिन बाद 28 को, जिसको हम लोग कहते हैं सरप्राइज डे. सरप्राइज डे 2 साल पहले हुआ था ये सरप्राइज डे, 2019 में हुआ था, 3 साल पहले 2019 में सरप्राइज डे, जब हमने एक पायलट पकड़ा था अपने नेबर कंट्री का. जब उससे पूछ रहा था कैप्टन, दैट प्लीज कैप्टन अभी, विद द रिस्पेक्ट कैप्टन अभी, व्हाट वाज योर प्लान, आपका प्लान क्या था, उसका जवाब था चाय पीते, सॉरी ऑफिसर आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस. ये भी कह सकता था वो, आई शुड नॉट टेल यू दिस, मगर देखें उसूल के मुताबिक उसने बात की के उसूल के मुताबिक बोला सॉरी ऑफिसर आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, मुझे आपको ये नहीं बताना चाहिए. फिर उसने बोला वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, उसने बोला आई होप यू विल फाइंड द रैकेज एंड यू विल कम टू नो. कहता है उम्मीद है आपको मेरा रैकेज मिल जाएगा. रैकेज मतलब मलबा, कोई भी चीज के टुकड़े, मलबा. कहता है आई होप यू विल फाइंड द रैकेज, यू विल कम टू नो. फिर कहते हैं वो कहता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, कहता है सॉरी ऑफिसर आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस बट आई एम फ्रॉम द वेस्ट साइड, या पता नहीं क्या बोलता है कि वेस्ट साइड, और ये वेस्ट की तरफ से इंडिया से या कहां से हूं. और कहता है आर यू मैरिड, यस आई एम मैरिड, लाइक दिस ही सेड. बट व्हाई ही वाज सेइंग कंटीन्यूअसली इट्स सपोज टू, नॉट सपोज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू यूज अलाउड नॉट अलाउड. रूल्स की बात आए तो फिर अलाउड और नॉट अलाउड का फैक्टर खुद ही इन हो जाता है. ओके, तो हमें रोज प्रेजेंटेशन देनी चाहिए जैन, हमें रोज प्रेजेंटेशन देनी चाहिए. वी आर सपोज टू गिव प्रेजेंटेशन डेली, और हम प्रेजेंटेशन देने के लिए तड़प रहे हैं. वी आर लॉन्गिंग टू गिव प्रेजेंटेशन. मुझे क्लास के बीच में नहीं बैठना चाहिए. Yeah, I'm not supposed to sit in the middle of. मुझे क्लास के कॉर्नर पे बैठना चाहिए. I am supposed to sit in a corner. मुझे मेकअप पे बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए. I'm not supposed to spend more time in makeup. I know you don't spend. Yeah, I know. Just a sentence. Don't take it personally. Bura, yeah, don't take it personally. Just 2 hours. That's it. No, nothing more. Just 2 hours, 1 hour. That's it. Okay. सलमान, मुझे पाकिस्तान में रहना चाहिए. मुझे पाकिस्तान में रहना चाहिए. आई एम सपोज टू लिव इन पाकिस्तान. आई एम सपोज टू लिव इन पाकिस्तान. ओके, मुझे पाकिस्तान में रहना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड बिलोंगिंग टू ऑल्सो, सो यू आर गोइंग टू यूज बिलोंग, बी सपोज टू. आई एम टेलिंग यू, मेनी पीपल आर अनअवेयर, मेनी पीपल दे डोंट नो.
Okay, you are supposed to sit quiet. You are supposed to go there. You are supposed to speak English. Like I saw one movie. Movie देखी मैंने सिर्फ dialogues की वजह से. Teaching पे बनी हुई थी. तो एक लड़की होती है पागल होती है ना. Psycho movie. Psycho पे बनी हुई लड़की पे. वो लड़की university के teacher को देखती है अपने और अपनी दोस्त से पूछती है कहती है कि oh is he party में पहली दफा तो कहती है oh is he दोस्त कहती है फिर कहती है दोस्त कोई अपने don't tell me he is our new mathematics teacher कहती है how do you know he said I just guess only फिर कहती है oh he is too hot to be math teacher it's very nice and then फिर टीचर के पास जाती कहती है is your last name Mr. Vox तो वो टीचर कहता है oh I'm flattered is it a new way to find out the name ये नया तरीका है नाम पूछने का my name is not my last name is now Mr. Vox फिर कहती है are you our new math teacher maybe I'm your new math teacher like this but the expression say okay now we get that you are supposed to enjoy party you're not supposed to stand here say okay I'm supposed to enjoy the party so supposed to we use many time in our English even in written even in spoken everywhere aap samajh gaye honge ye sirf short ki tarah hai okay yes please why don't you make some sentences on this please carry on